राजधानी दिल्ली के संजय कैंप इलाके में रोड पर जल भराव और गंदगी की समस्या से परेशान हुए लोग। आपको बता दें कि देवली विधानसभा के संजय कैंप इलाके में आवारा पशुए खुले आम घूमते हैं, जिसका प्रभाव स्थानीय लोगों पर पड़ रहा है। जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यह समस्या आज से नहीं, पिछले 5-6 सालों से है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने आगे बताया कि कई बार हम इस समस्या को लेकर जनता प्रतिनिधि के पास गए तो उन्होंने कहा कि इस समस्या को हमने संज्ञान में ले लिया है और जल्द ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज तक स्थानीय लोगों की समस्या का हल जनता प्रतिनिधि नहीं कर पाए हैं। गलियों की नाली में कीड़े रहते हैं, मच्छर पनपते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। जी हाँ, यहाँ तक कि सीवर के ढक्कन खुले होने से रात में बाइक सवार आने जाने वाले लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो सीवर के ढक्कन खोलने की वजह से लोग उसमें गिर तक जाते हैं, छोटे बच्चे भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से लोग जख्मी हो जाते हैं। लेकिन आज तक ना ही कोई प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई भी हल निकल सका है और स्थानीय लोग परेशान हैं। बात करें तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ की जो हालत है, हमारा पशुए घूम रहे हैं, क्या लगता है राजधानी दिल्ली ही है? कोई दिल्ली नहीं है तो गांव से भी बेहतर गांव बन गया। ये इसको राजधानी नहीं बोलेंगे, ये तो गांव से भी बेहतर। इतनी गंदगी तो गांव में भी नहीं होती जितनी गंदगी इस शहर के अंदर, राजधानी के अंदर है। इस राजधानी के अंदर जो गंदगी है ना, उस गाँव में गाँव में नहीं है। क्या क्या समस्या? बहुत सारी समस्याएं हैं। पाइप टूटा हुआ है, पानी गंदा पानी जाता है उसमें, पीने का पानी आता है, लेकिन गंदा आता है। और ये आपके घरों के सामने सड़क पे गंदा पानी लगा है, जमा है, तो इसको लेकर ये तो गटर गटर बंद हुआ है, कोई आता ही नहीं खोलने के लिए। कितनी कंप्लेंट करो, कोई भी करो, कंप्लेन करते हो तो क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं, हाँ हो जाएगा। हाँ, हाँ जी। पानी लगा है और ये सब गंदगी है, कितने समय से है? या कम से कम नहीं तो एक महीना हो गया तकरीबन। हाँ जी, इसकी साफ सफाई नहीं होती? सफाई बिल्कुल कुछ नहीं होता, सारी सब कुछ करके देख लिया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। हर जगह के पास कंप्लेंट कर लिए, हर चीज़ कर लिए, लेकिन बट कुछ नहीं होता है यहाँ पे। सब कुछ करके देख लिया है लेकिन कुछ नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। बहुत सारी समस्याएं हैं, सारा खतरा भरा रहता है, सारी कंप्लेंट करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी अदरवाइज कुछ नहीं होता है। नाली तो देख लो, अंदर जाके कीड़े पड़ रहे हैं नालियों में, सफा क्या हो रही है, कुछ भी नहीं होता, ये देखो ना। तो इन सब समस्याओं को लेके अपने निगम पार्षद बहुत दे दी कंप्लेंट, कुछ नहीं होता यहाँ पे। कहते ठीक है कर देंगे, फिर वो हमें कहते हैं कि तुमने कंप्लेंट क्यों करी, क्योंकि अभी बीमारी देख रहे हो एक तरह से। तो बीमारी तो होनी है ना, जब नाली चढ़ रही है, देखो ना आप, जाके आप खुद ही दे सकते हो। जब नाली चढ़ रही है तो ऐसे ही होएगा यहाँ पे, बीमारी भी फैलेगी, बच्चे भी बीमार होंगे, सब कुछ होएगा यहाँ पे। साफ सफाई चाहते हो और क्या चाहेंगे? पशुए घूम रहे हैं खुले आम, तो इसकी वजह से भी काफी बदबू आती होगी, छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलते हैं, कितना प्रभाव उन पर पड़ रहा है? बहुत। हमारे बच्चे नंगे पैर घूमते हैं गंदे, ये आपसे ले, यहाँ से कोई आ नहीं सकता लेके बच्चे बाहर डर के मारे। अब इसके कोई उपाय करो। ये घरों के सामने गंदा पानी लगा है, बीमारी का दौर चल रहा है कोरोना का, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? सफाई करवाओ, बोलते जो आते हैं नंबर ले आके चले आते हैं, MCD वाले भी कुछ नहीं कर रहे। मौजूदा विधायक कौन है? ये है अपने प्रकाश देव। उनसे बातचीत करते हैं की सफाई और गंदगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होती इनकी, कोई जवाब नहीं आता उनके पास। वो इधर भी इधर आकर देख अपनी समस्या को लेकर उनके पास गए, सब लेके गए यहाँ पे। क्या बोलते हैं? कोई कुछ नहीं सुनता, सब अपने इसके माल के लिए वो हैं। वोट के टाइम पे सब वो करवा दिखाते हैं कि हम करवाएंगे, हम करवाएंगे। कितने समय से ये समस्या? भैया बहुत साल हो गए भाई जिंदगी, हमें तो 20 साल हो गए यहाँ पे देखते देखते। ये हमारे पशुए कब से घूमते हैं? 20 साल हो गए देखते देखते। बचपन बीत गया।